अयोध्या में रामलला भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जनपद जालौन कस्बा बंगरा में भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बा वासियों ने रथ पर विराजमान भगवान स्वरूप पुरुषोत्तम राम की जगह जगह आरती उतारकर और पुष्प बरसाकर स्वागत किया। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष भरत भदौरिया ने कहा कि पूरे देश में अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। इसी को लेकर आज भगवान श्री राम का आयोजन किया गया, जिससे पूरे देश में संदेश जा सके, पूरे देश में दीपावली जैसा माहौल है, घरों में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा सके। 500 साल के बाद लंबे संघर्ष के बाद कई पुरुषों के बलिदानों के बाद यह उत्सव देखने को मिला है। शोभा यात्रा में विधायक मूलचरण निरंजन नीरज ठाकुर, पिकल ठाकुर, प्रभान परिहार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे देश में इस समय अयोध्या में 22 तारीख को होने वाली भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश इस समय राममय है। उसी के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व हम लोगों ने पूरे अपने ग्राम बंगरा में प्रमुख गलियों में भगवान पुरुष श्री राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिससे प्रत्येक घर में ये संदेश जा सके कि इस समय पूरे देश में एक दिवाली जैसा माहौल है। और हम लोगों ने सभी से आह्वान भी किया है कि 22 तारीख को घरों में दिवाली जैसा उत्सव मनाना है। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, तमाम पूर्वजों के बलिदानों के बाद ये हमें आज देखने को मिल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं और हम सभी धन्यवाद करते हैं उन बलिदानियों का जो ये दिन हमें देखने को मिला। और मैं सभी आए हुए सभी अतिथियों से और सभी ग्रामवासियों से भी मैंने आह्वान किया है कि कल सब अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाकर इस राममय वातावरण को और भी सुदृढ़ बना करके एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का चित्रण अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा, विश्वास और भावनाओं के साथ राममय माहौल में हम सभी ने यात्रा निकाली।